A very very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल Love You Chemistry and myself RK Rajput. So guys, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपका प्यारा सा टॉपिक दैट इज केमिकल काइनेटिक्स. और गाइज ये जो टॉपिक है ये जितने भी केमिस्ट्री के कम्पिटेटिव एग्जाम्स है चाहे वो हाई लेवल्स का हो चाहे वो लो लेवल्स को ये सबके लिए जो सीरीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है. ठीक है ना, चाहे आप 11th 12th के लिए बात करो या आप IIT JEE नीट के लिए बात करो, MSc BSc किसी भी MSc एंट्रेंस एग्जाम चाहे वो BHU का हो या वो DU का हो, चाहे वो आईसर का हो या वो नाइसर का हो, चाहे वो नेट का एग्जाम हो चाहे वो गेट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम है और खास करके वो चाहे आपका लाइफ साइंस का जो गेट का एग्जाम है वो हो, सबके लिए काफी इम्पोर्टेंट रहेगा. और हम जो बहुत ज्यादा फोकस देंगे यहाँ पे इस वाले में वो देंगे हम किसके ऊपर, नेट और गेट के ऊपर. ठीक है ना, सो लेट अस स्टार्ट केमिकल काइनेटिक्स. सो व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, क्या हमें इसकी जरूरत पड़ी केमिकल काइनेटिक्स की, क्यों हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं, क्या केमिकल काइनेटिक्स पढ़े बिना हमारा काम नहीं चलेगा. सो देखते हैं क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स. सो देखो सिंपल सी बात है, अगर हम केमिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम मेनली क्या पढ़ते हैं, रिएक्शंस पढ़ते हैं. केमिस्ट्री में क्या होता है, रिएक्शंस ही तो आते हैं ना. तो देखो रिएक्शंस जो होती है वो रिएक्शंस लेट्स से कोई भी एक रिएक्शन है, मैं सिंपल कोई भी रिएक्शन ले रहा हूँ, लेट्स से मैं ले रहा हूँ N2+3H2 गिव्स 2NH3, कोई भी एक इक्वेशन निकालो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो. देखो कोई भी रिएक्शन होगी या नहीं होगी, कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये हमें बताता है थर्मोडायनेमिक्स. मीन्स दिस रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, कौन बताता है, थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स में हम एक पैरामीटर पढ़ेंगे डेल्टा जी, दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी. अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो मैं कहूंगा वो रिएक्शन क्या होगी, वो रिएक्शन आपकी फिजिबल होगी, अदरवाइज फिजिबल नहीं होगी. लेकिन जो थर्मोडायनेमिक्स है बस ये बताता है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है. लेकिन उस रिएक्शन का जो रेट है और वो रिएक्शन कितने टाइम में होगी, उस रिएक्शन की कंसंट्रेशन और टाइम का रिलेशन, मीन्स कंसंट्रेशन टाइम पे किस टाइप से डिपेंड है, टेम्परेचर पे किस टाइप से डिपेंड है, वो सब कौन बताता है, वो सब बताता है आपका केमिकल काइनेटिक्स. जैसे कि नाम से पता लग रहा है केमिकल मीन्स यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस होगी और काइनेटिक्स मीन्स केमिकल इक्वेशंस का काइनेटिक्स यहाँ पे पढ़ा जाएगा. दैट्स इट, समझ में आया. ओके, कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें, जैसे कि हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो डायमंड होता है, डायमंड फोर एवर नहीं होता. डायमंड ये नहीं होता कि वो आपने एक बार लिया और वो आपका जिंदगी भर चलता रहेगा, मीन्स जिंदगी भर नहीं, वो लाखों करोड़ों साल चलता रहेगा, नहीं ऐसा नहीं है. डायमंड क्या होता रहता है, धीरे धीरे कोक में कोयले में कन्वर्ट होता रहता है. ठीक है ना, धीरे धीरे वो कोयले में कन्वर्ट होता रहता है डायमंड. लेकिन जो ये प्रोसेस होता है डायमंड का कोल या ग्रेफाइट में कन्वर्ट होना, डायमंड इज व्हाट डायमंड इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन. कार्बन के तीन एलोट्रोप, वैसे तो काफी एलोट्रोप होते हैं, 4-5 एलोट्रोप होते हैं, लेकिन तीन एलोट्रोप मेन जो होते हैं क्या क्या, फर्स्ट एलोट्रोप इज डायमंड, सेकेंड एलोट्रोप इज ग्रेफाइट एंड थर्ड एलोट्रोप इज व्हाट, कोल. ठीक है ना, ये देख. ओके, जो डायमंड होता है वो एक रिएक्शन के थ्रू क्या होता रहता है, डिकम्पोज होता रहता है थोड़ा थोड़ा, या मैं कह दूं कन्वर्ट होता रहता है थोड़ा थोड़ा कोल में. लेकिन जो ये प्रोसेस होता है ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है, ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो होता है, बहुत ज्यादा स्लो, तो ये हमें अपनी आंखों से ऐसे विजिबल नहीं होता. तो इसका पता भी किससे पता लगेगा, इसका पता भी लगेगा किससे, केमिकल काइनेटिक्स से. मींस केमिकल काइनेटिक्स ही बताएगा इस रिएक्शन का रेट कि कितने टाइम में वो कितना क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है या कितना कन्वर्ट हो रहा है. समझ में आया. तो केमिकल काइनेटिक्स अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है ना, सो लेट अस स्टार्ट केमिकल काइनेटिक्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस
स्टोइकियोमेट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोइकियोमेट्री, व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री? देखो हम क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं स्टोइकियोमेट्री को, क्या होता है स्टोइकियोमेट्री? देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं कि स्टोइकियोमेट्री क्या है, तो स्टोइकियोमेट्री इज नथिंग बट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और यू कैन से नॉट द केमिकल कंपोजिशन एक्चुअली, अगर इन जनरल अगर मैं कहूँ मोटा मोटी तौर पे, तो ये क्या होता है, जो जो आपकी केमिकल स्पीसीज होती है, जो रिएक्टेंट होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं, वो रिएक्शन में कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। समझ में? ओके, उससे पहले हम क्या देख लेते हैं, उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि कितने मार्क्स का ये आता है, ठीक है ना, कितने मार्क्स का आता है। तो देखो मैंने कहा ये सब एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं मोस्टली नेट और गेट को ही यहाँ पे टारगेट लेके चलूंगा। नेट वो भी आपका सी एस आई आर नेट की बात कर रहा हूं मैं, सी एस आई आर नेट और गेट, ठीक है ना, सी एस आई नेट में केमिस्ट्री, इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसमें ये अराउंड 14 टू और यू कैन से 12 टू 16 मार्क्स का आता है। अगर आप 2017 जून और दिसंबर का अगर पेपर उठा के देखोगे, तो वहां पे ये 14 मार्क्स का आया हुआ है, कितने मार्क्स आया हुआ है 14 का, तो ये इन बिटवीन 12 एंड 16 के बीच में आता रहता है, ठीक है ना, और 12 और 16 बहुत ज्यादा मायने रखते हैं मार्क्स, ठीक है ना। तो काफी स्कोरिंग है ये भी आपका, केमिकल काइनेटिक्स इज वेरी स्कोरिंग इन नेट जेआरएफ, गॉट इट, ओके। एंड जो क्वेश्चंस आते हैं, आप देखो वो क्वेश्चंस हम साथ साथ में क्वेश्चन भी कराएंगे हर क्लास में, तो क्वेश्चंस भी बहुत सिंपल होते हैं जो नेट में आते हैं, देखते हैं। ओके, अब मैं बात करता हूँ गेट की, तो गेट में यहां दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, एक तो आपका जो केमिस्ट्री है और दूसरा जो आपका लाइफ साइंस है। लाइफ साइंस में भी ये सिलेबस में है, लाइफ साइंस में भी क्वेश्चन आता है, बट यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, वही 11th 12th लेवल का आता है, तो इसमें से आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। ओके, केमिस्ट्री अगर मैं गेट की बात करूं, तो वहां पे भी इससे अच्छा खासा क्वेश्चन आता है और अच्छे खासे मार्क्स का आता है, वहां पे भी 4 से 6 मार्क्स का वहां पे आ जाता है। सो काफी अच्छा और काफी ज्यादा स्कोरिंग ये टॉपिक है, तो हम इसे बड़े इत्मीनान से बड़ी अच्छी तरह पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस जर्नी में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये जर्नी हमारे रहने वाली है। ओके, सो मैं आपके लिए कहते हैं ना उसे बहुत ही ज्यादा झकास सा एक टॉपिक लेके आया हूं, सो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, आप लोग बस लाइक करो। ओके, सो हम देखते हैं व्हाट इज स्टोइकोमेट्री। सो लेट्स से आई हैव अ इक्वेशन 2a प्लस 3b गिव्स फोर्स डी, लेट्स से दिस इज अ इक्वेशन, दिस इज अ केमिकल इक्वेशन एंड दीज आर द रिएक्टेंट, दिस इज द प्रोडक्ट। सो व्हाट इज द मीन ऑफ स्टोइकोमेट्री? सो स्टोइकोमेट्री इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और द नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ यूनिट टेक पार्ट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ रिएक्शन इज नोन एज, मोटा मोटी तौर पर बात कर रहा हूं मैं, इज नोन एज स्टोइकोमेट्री एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई न्यू। नाउ द स्टोइकोमेट्री कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी पॉजिटिव। For retained molecule, the stoichiometry is always negative. For this, the stoichiometry is 2 and with minus sign. And the stoichiometry for this is minus 3 and stoichiometry for this is 4. So the stoichiometry for product is always positive and stoichiometry for reactant is always negative. अब ऐसा क्यों? Why? देखो सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसेस होता है तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज होता है जनरली, ठीक है ना। इन जनरल केस रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता है, जब इसका अमाउंट डिक्रीज होता है इसलिए हम यहाँ पे साइन लेते हैं माइनस, और क्योंकि इसका अमाउंट इंक्रीज होता है इसलिए हम यहाँ पे साइन लेते हैं प्लस। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो स्टोइकोमेट्री को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? स्टोइकोमेट्री नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। स्टोइकोमेट्री टाइम इंडिपेंडेंट भी होती है और स्टोइकोमेट्री टाइम डिपेंडेंट भी होती है। यहाँ पे हम जो स्टोइकोमेट्री पढ़ेंगे वो टाइम इंडिपेंडेंट स्टोइकोमेट्री पढ़ेंगे। सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। अगर मैं इस केस की बात करूं और इसमें स्टोइकोमेट्री पूछूं, तो यहाँ पे जो N2 की स्टोइकोमेट्री है वो है -1 और जो H2 की स्टोइकोमेट्री है वो -3 और NH3 की जो स्टोइकोमेट्री है वो है 2, क्योंकि H2 NH3 क्या है, प्रोडक्ट है, तो प्लस होगी और ये दोनों आपके रिएक्टेंट है तो माइनस होगी। ओके, H2 प्लस I2 इज इक्वल टू
2HI. So the stoichiometry of HI is plus 2 and stoichiometry of I2 and H2 are minus 1. Okay, got it? So this was the stoichiometry. Koi dikkat? Samajh mein aaya? Okay. Ab isse aage chalte hain. Next is extent of reaction, and this is most important thing. Extent of reaction. आप देखोगे आज की क्लास से ही नेट और गेट के हम काफी क्वेश्चन करेंगे और काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना. काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है ना. और इससे मोस्टली जो मैं काइनेटिक्स करेंगे हम वो थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना. बताऊंगा मैं आपको थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसमें जो पहला पार्ट होगा आपका वो होगा आपका रेट वाला पार्ट, मीन्स रेट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन के रेट पे जहां पे हम बात करेंगे, ठीक है ना. जो दूसरा पार्ट होगा, दूसरे पार्ट में हम फोटो वाला, फोटो केमिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ेंगे और थर्ड पार्ट में हम आपका मीन्स कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाएगी. यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे, मैं ऐसा कहता हूँ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे. यहाँ पे ये जनरल पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना. और यहाँ पे हम पढ़ेंगे एंजाइम्स. तो इन तीन पार्ट की बात करते हैं. इन तीन पार्ट में मोस्टली जो नेट में क्वेश्चन पूछता है इससे पूछता है, ठीक है ना. कभी कभी वो इससे भी पूछ लेता है, इससे तो बहुत ही कम, इससे भी पूछ लेता है. इसके भी क्वेश्चन काफी सिंपल होते हैं, ये भी काफी सिंपल, ये भी काफी सिंपल. तो कभी कभी वो इससे पूछता है, कभी कभी इससे और इससे पूछता है, ठीक है ना. बट ज्यादातर वो इस पोर्शन से पूछता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं. ओके, आजकल वो इससे पूछने लगा है एंजाइम से, क्योंकि एंजाइम थोड़ा हटके है. कोई एंजाइम तक जाते जाते लोग क्या करते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं काइनेटिक्स को, क्योंकि काइनेटिक्स कुछ लोगों के लिए ओनली फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन तक है, ठीक है ना. उससे आगे नहीं है, लेकिन उससे आगे काइनेटिक्स में काफी कुछ है. तो हम सब कुछ पढ़ेंगे बहुत ही इतमान से. ओके, सो व्हाट इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. सो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट द चेंज इन द अमाउंट, चेंज इन द अमाउंट ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. फिर से सुनो, चेंज इन द अमाउंट ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद प्रोसीड द रिएक्शन. मीन्स जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी वैसे वैसे क्या होगा, जो चेंज आ रहा है प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में, दैट इज कॉल्ड द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. ओके, देखते हैं. अगर मैं सिंपली देखू इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है जीटा, इसे कहते हैं जीटा, ठीक है ना. जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, जीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से देखना. जीटा इज इक्वल टू होता है एन माइनस एन नॉट अपॉन न्यू. देखिए, देखते हैं क्या होता है. देखो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं एक रिएक्शन ले लू ए टू बी और मैं कह रहा हूं एट टी इज इक्वल टू जीरो, मीन्स टाइम इज इक्वल टू जीरो पे इसकी जो वैल्यू है वो है एन और इसकी है जीरो एट टाइम टी. अब अगर मैं किसी टाइम टी की बात करूं और इसकी जो यहां पे ये लेट्स सी ये एन नॉट है इनिशियल अमाउंट और इसका यहां पे अमाउंट एन हो गया और यहां पे भी कुछ अमाउंट हो गया लेट्स से एक्स. सो क्या है यहां पे इसकी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट द फाइनल अमाउंट माइनस द इनिशियल अमाउंट अपॉन स्टोइकोमेट्री, स्टोइकोमेट्री दैट इज कॉल्ड extent of reaction. So extent of reaction is nothing but the change in the amount of substances present in the reaction. Okay, so zeta is equal to n minus n naught upon nu, where n naught is initial amount, this is initial amount and this is final amount and this is stoichiometry. ठीक है ना, स्टोइकोमेट्री. Got it? Okay. अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड वेरी कूल क्वेश्चन इज दैट. एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं. सो क्वेश्चन इज दैट, ओके, 10 ml ऑफ सॉरी 10 mol ऑफ N2. ओके, N2 के 10 mol लिए हमने, कितने मोल, 10 mol ऑफ N2 एंड 20 mol ऑफ H2. और हमने H2 के कितने मोल लिए, 20 mol. 10 mol ऑफ N2 एंड 20 mol ऑफ H2 आर कॉल्ड टू रिएक्ट आफ्टर ए सर्टेन टाइम.
ओके ये क्या कर रहे हैं, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, और जो रिएक्ट करेंगे रिएक्ट करके बनाएंगे 2NH3 N2+3H2, ये रिएक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये कह रहा है इनिशियल में इनिशियल में इसके 10 मोल है, इसके कितने हैं 20 मोल है एट t=0 मींस इनिशियल में, तो इनिशियल में कितना बनेगा 0 बनेगा। फिर वो क्या कह रहा है कि आफ्टर टाइम t, जब टाइम क्या होगा t होगा, t टाइम पे ये क्या कह रहा है इसके 5 मोल बनते हैं, इसके कितने बनते हैं 5 मोल बनते हैं। ओके अब इससे बाद में बात करते हैं। सो ये पूछ रहा है व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फॉर N2 फॉर H2 एंड फॉर NH3, तो इन सब का एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पूछा है। ओके सो स्टार्ट करते हैं। ये न्यूमेरिकल काफी सिंपल न्यूमेरिकल है और काफी अच्छा है। ओके मैं ऊपर लिख लेता हूं, रिएक्शन ऊपर लिख लेता हूं, N2+3H2=2NH3, इनिशियल में इसका अमाउंट 10 है, इसका अमाउंट 20 है, इसका 0 होगा, और एट टाइम टी इसका अमाउंट 5 बन गया, ठीक है ना। ओके तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पूछा है, एक्सटेंट ऑफ N2, एक्सटेंट ऑफ H2, एक्सटेंट ऑफ NH3 पूछा है। ओके सो कैसे होगा, देखो बहुत ही सिंपल है, मैं कहता हूं 2 मोल ऑफ, अगर मैं यहां पे कहूं इस रिएक्शन को जनरली मैं कहूं कि 1 मोल N2 का मैं ले रहा हूं, 3 मोल H2 के ले रहा हूं, और उसे मिला के 2 मोल NH3 बन रहा है, तो अगर मुझे NH3 का एक्सटेंट निकालना हो तो मैं ये कहूंगा 2 मोल ऑफ NH3 फॉर्म्ड बाय 1 मोल ऑफ N2। मैं कह रहा हूं कि 5 मोल सॉरी 2 मोल NH3 बन रहा है 1 मोल N2 से, ठीक है ना, 2 मोल NH3 1 मोल N2 से बनता है। तो देखो 1 मोल 2 मोल कितने से बन रहे हैं, 1 मोल से बन रहे हैं, तो यहां पे कितने हैं 5 मोल, 5 मोल कितने से बनेंगे, तो मैं कहूंगा 5 मोल ऑफ NH3 विल फॉर्म कितने से बनेंगे 1/2 × 5, दैट इज 2.5। अब ध्यान से देखना 2.5 मोल ऑफ N2, ध्यान से देखना, यानी कि जो 2.5 मोल है N2 के वो यूज हुए हैं 5 मोल NH3 बनाने के लिए। सिंपल सी बात ये है कि ये जो 2.5 मोल है N2 के वो 5 मोल NH3 बनाने के लिए यूज हो गए। ओके समझ आ रहा है, तो बाकी कितना बचा होगा, तो बाकी बचा होगा उसका टोटल अमाउंट कितना है 10 मोल, मींस मैं कहता हूं कि इनिशियल अमाउंट कितना है उसका 10 मोल, तो फाइनल कितना बचा होगा, फाइनल बचा होगा 10 माइनस जितना वहां पे कंज्यूम हुआ 2.5, दैट इज 7.5 मोल, मींस 7.5 मोल N2 बचा होगा फाइनल। ओके तो अब अगर मैं N2 का एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन निकालू N2 का, तो वो क्या आएगा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होगा N2 का, बोलो क्या होगा, N-N0/μ, ये होगा। ओके व्हाट इज N, N इज 7.5, दिस इज N माइनस व्हाट इज N0, इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट इज 10 ml, 10 मोल माइनस 10 अपॉन व्हाट इज द स्टोइकोमेट्री ऑफ N2, N2 का स्टोइकोमेट्री कितना है यहाँ पे -1, क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस लगेगा और यहाँ पे 1 है तो -1, दैट इज -1। So, 7.5 minus 10 is -2.5 upon -1, that will give you 2.5. Means the extent of N2, the extent of the chemical extent of N2 is nothing but 2.5. Got it? Okay. आप pause करके उतार लेना, इसे pause करके note कर लेना, मैं आगे जा रहा हूं। अभी N2 का extent निकल गया 2.5, अब हम निकालना है H2 का extent। तो फिर से मैं क्या कहता हूं कि 2 मोल NH3 फॉर्म्ड बाय 3 मोल ऑफ H2, 3 मोल ऑफ H2, तो 5 मोल, देखो 2 मोल NH3 3 मोल H2 से बना है, तो 5 मोल कितने से बनेगा, 5 मोल NH3 विल फॉर्म बाय 3 by 2 multiply by 5 and this is 2.5 multiply by 3 and 7.5 mol. So
So what is this? What is this 7.5 mole? So 7.5 mole of what is this? This is 2 mole of NH3 will make with the help of 3 mole of H2 and 5 mole of NH3 will make with the help of 3 by 2 multiplied by 5 and that will ha. So this is 7.5. अब ध्यान से देखना 7.5 मोल H2 यूज हो गया 5 मोल NH3 बनाने में, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो बाकी कितना बचा होगा, फाइनल कितना बचा होगा? तो फाइनल क्या होगा, इनिशियल 20, इनिशियल 20 माइनस 7.5 दैट इज 12.5 मोल ऑफ H2, समझ में आ रहा है? सो दिस इज द फाइनल अमाउंट, दिस इज द फाइनल अमाउंट फॉर H2. So this is the final amount for H2. So what will be the extent zeta for H2? That will be 12.5 minus 20 initial upon stoichiometry, that is minus 3. So this will be 7.5 divided by minus 7.5 divided by minus 3, minus and minus cancel, and this will become 2.5. So the extent of H2 is also 2.5. Got it? Now the extent for the chemical extent for NH3. What will be the extent of NH3? Okay, just देखना आप ध्यान से. Okay, अगर मैं कहूँ कि NH3 का जो initial amount था वो क्या था? Zero था. और final amount कितना है? 5 है. तो यहाँ से तो मुझे सीधे ही पता है. तो extent of NH3 क्या होगा? Final amount minus initial amount upon stoichiometry is 2, so that is 2, that means 2.5. the extent of reaction for NH3, the extent of NH3 is also 2.5. so yahan se aap ek note likh sakte ho jo aapka universal truth hai. note mein likh lo, the extent of reaction, ऐसे लिख लो, द एक्सटेंट ऑफ ऑल द स्पीसीज प्रेजेंट इन अ रिएक्शन मीन्स दैट इज प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट. द एक्सटेंट ऑफ ऑल द स्पीसीज प्रेजेंट इन अ रिएक्शन आर सेम, मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना ही चाह रहा है कि एक रिएक्शन में जितनी भी स्पीसी होती है, जितने भी रिएक्टेंट है, जितने भी प्रोडक्ट है, सबका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सेम होता है. एज इन दिस केस N2 का एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन 2.5, H2 का भी 2.5 और NH3 का भी 2.5. गॉट इट? ठीक है भाई, नोट कर लो. ओके, आगे चले. इट्स वेरी रियली गुड. चलो आगे चले. न्यूमेरिकल ऐसे हम साथ साथ करेंगे, सभी न्यूमेरिकल हम साथ साथ क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना. चीजों को हम साथ साथ क्लियर करेंगे, सभी न्यूमेरिकल साथ साथ में करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे और ऐसे भी हम सब कुछ करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज रेट ऑफ कन्वर्जन, रेट ऑफ कन्वर्जन एंड रेट ऑफ रिएक्शन. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ कन्वर्जन एंड रेट ऑफ रिएक्शन. So what is rate of conversion? So rate of conversion is nothing but the time derivative of extent of reaction. Means you can say the change in extent of reaction with time is known as rate of conversion. The change in extent of reaction with time is known as rate conversion. And this is zeta
यू कैन राइट जीटा डॉट, जीटा डॉट मीन्स जीटा का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी कर देते हैं, तो जी डी जीटा बाई डीटी, यू कैन राइट लाइक दिस. सो दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ कन्वर्जन. ओके, नाउ व्हाट इज जीटा? डी बाई डीटी. व्हाट इज जीटा? जीटा इज नथिंग बट एन माइनस एन नॉट अपॉन न्यू. ओके, न्यू इज कॉन्स्टेंट बिकॉज दिस इज योर स्टोइकोमेट्री, सो ये कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाई न्यू डी एन बाई डी टी माइनस डी एन नॉट बाई डी टी. ओके, एंड दिस इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन, एंड इनिशियल कंसेंट्रेशन इज व्हाट? दैट इज कॉन्स्टेंट. सो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, कॉन्स्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी क्या होगा? आपका जीरो होगा, तो ये पार्ट जीरो जाएगा, तो बचेगा क्या? 1 बाई न्यू डी ई एन अपॉन डी टी. दिस इज डी जीटा बाई डी टी. सो दिस इज द रेट ऑफ कन्वर्जन. सो रेट ऑफ कन्वर्जन इज नथिंग बट द चेंज इन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन विद टाइम इज नोन एज रेट ऑफ कन्वर्जन. सो दिस इज द रेट ऑफ कन्वर्जन. ओके, मैं यहां पर लिख देता हूं चेंज इन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन विद टाइम इज नोन एज रेट ऑफ कन्वर्जन. रेट ऑफ कन्वर्जन, गॉट इट? दैट्स इट. ओके, नाउ व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? सो नेक्स्ट इज रेट ऑफ रिएक्शन. Rate of reaction. So this is very simple. If you will divide rate of conversion by volume, if you will divide rate of conversion by volume, then that will call rate of reaction. I mean rate of reaction is nothing but zeta dot by divided by volume. This V is volume. Okay, so that will be 1 by V D 1 by V into 1 by nu, and or you can write, just wait a second, you can write 1 by nu D N by V DT. And this, because this is not a constant value, V is not constant, so this will go inside and you will get 1 by nu D N by V by dt. And what is N by V? What is N by V? थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ. सो कंसंट्रेशन क्या होता था? यहाँ पे जो हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं वो मोल पर लीटर मोलैरिटी ले रहे हैं, और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम. सो दिस इज कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम. सो दिस इज नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम. सो दिस इज नथिंग बट द कंसंट्रेशन. सो यू कैन राइट द रेट ऑफ रिएक्शन एज rate of reaction is equal to what? 1 by nu d concentration upon dt. तो आपको जिसका भी रेट लिखना है, ठीक है ना, जिसका भी रेट लिखना है उसकी क्या होगी? 1 by उसकी स्टोइकोमेट्री इनटू उसकी कंसंट्रेशन का चेंज विद टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन. So the definition, what is the definition of rate of reaction? So rate of reaction is nothing but the change in concentration. The change in concentration with respect to time is called rate of reaction. Rate of reaction. And just think, what will be the dimension of this? Rate of reaction ka dimension kya hona chahiye? Dekho, ye to constant cheez hai, isko chodo. To concentration ka dimension kya hota hai? Concentration ka dimension hota hai mole per लीटर, और यू कैन से मोल लीटर इनवर्स. और दिस इज व्हाट? दिस इज टाइम. टाइम का क्या होता है? सेकंड. सो दिस विल बी मोल पर लीटर पर सेकंड. सो दिस विल बी द यूनिट ऑफ रेट. दिस विल बी द यूनिट ऑफ रेट. गॉट इट? सो रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आया? ओके, अब मैं कोई इक्वेशन लिख लेता हूं. लेट्स से मैं लिख रहा हूं 2a + b = 3c.
ये रिएक्शन है, ठीक है ना, दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट। अब मैं इसके लिए रेट रिएक्शन लिख रहा हूँ, रेट लिख रहा हूँ, ओके। सो रेट विल बी, यू कैन राइट रेट इन फॉर्म ऑफ दिस, इन फॉर्म ऑफ दिस और इन फॉर्म ऑफ दिस, यू विल गेट माइनस वन बाई टू डी ए बाय डी टी। वाई लाइक दिस? बिकॉज दिस इज प्रोडक्ट एंड द stoichiometry for this will be minus 2. So the stoichiometry is minus 2, then it will become minus 1 by 2, because 1 by nu over here, 1 by 2 dA concentration of A by dt. Okay, you can write the rate of reaction in form of B, this will be minus dB by dt, and you can write in form of product, then this will be 1 by 3, the stoichiometry is 3 only, 1 by 3 dC by dt. So this is the rate of a reaction. You can write a rate of a reaction. समझ रहा है? अब ध्यान से देखो, अभी मैंने कहा था कि जब कोई रिएक्शन होगी, रिएक्शन में हमेशा रिएक्टेंट का जो अमाउंट है वो कम होता जाता है और प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज होता जाता है। क्या हो रहा है? रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो रहा है लगातार और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ रहा है। मीन्स जो इसका मैंने ये रेट लिखा है, दिस इज नथिंग बट इसमें जो, अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं तो स्टोइकोमेट्री होगा, दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी, और यू कैन राइट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी मीन्स दिस इज इन दिस, सो दिस कंप्लीट थिंग इज द रेट ऑफ रिएक्शन, बट थिंग इज दिस वन थिंग डी सी बाई डी टी, दिस इज नोन एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। मीन्स ये सी के फॉर्मेशन का रेट है, क्योंकि सी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो फॉर्मेशन का जो रेट होता है वो हमेशा प्लस होता है, देखे हो ये प्लस है, ठीक है ना। ओके, अगर मैं बात करूं इसकी, ये क्या होगा? सो दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बी, बी क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है तो माइनस आ गया, और रेट ऑफ डिकम्पोज ऑफ ए, ए का डिकम्पोजिशन, तो क्या कहलाएगा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए? ये कहलाएगा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए माइनस डी ए बाई डी टी। गॉट इट? सो आपको एक चीज समझ आए, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन और रेट ऑफ फॉर्मेशन कैसे लिखते हैं। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन लिखने के लिए आप माइनस लगा दोगे क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, और रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखने के लिए आप प्लस लगा दोगे क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। समझ आ रहा है? ओके, अगर आ रहा है तो हम एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेट्स से रिएक्शन है एन टू प्लस थ्री एच टू गिव्स टू एन एच थ्री, ये रिएक्शन है, ठीक है ना। इसके लिए मैं कह रहा हूं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन टू लिखो, तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन टू? सो एन टू का फॉर्मेशन हुआ तो डी एन टू बाई डी टी, ये होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन टू। व्हाट विल द रेट ऑफ फॉर्मेशन, सो ये होगा फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन टू, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एन टू का डिकम्पोजिशन हो रहा है। अगर मुझे लिखना है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन टू, सो क्या जाएगा? माइनस डी एन टू बाई डी टी, और अगर मैं इसका लिखूंगा तो माइनस वन बाई थ्री डी एच टू बाई डी टी, और इसका फॉर्मेशन लिखूंगा तो वन बाई टू डी एन एस थ्री बाई डी। ओके, सो ये होगा क्या, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन टू। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन ये, और अगर मैं इसकी फॉर्म में लिखूंगा तो वन बाई थ्री डी एच टू बाई डी टी, और इसकी फॉर्म में वन बाई टू डी एन एच थ्री बाई डी टी। गॉट इट? सो दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ द रिएक्शन। सो आई थिंक आप लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन लिखना समझ में आया होगा, आया जी समझ में? रेट ऑफ रिएक्शन लिखना, व्हाट इज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन एंड व्हाट इज द रेट ऑफ प्रिपरेशन और रेट ऑफ फॉर्मेशन, और यू कैन से रेट ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। समझ आ रहा है? ओके, सो हम यहीं पे इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, और इससे आगे नेक्स्ट क्लास में चलते हैं।
आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि हम काफी अच्छे से ले रहे हैं, एक एक चीज को प्रॉपर वे में ले रहे हैं और उसके साथ साथ हम क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे जो क्वेश्चंस आपके नेट गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे वो भी हम साथ साथ लेके चलेंगे, मीन्स हम साथ साथ क्लियर करते हुए चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा दिन बाकी नहीं है। तो आपको अच्छे से वीडियो देखना है, पूरा वीडियो देखना है, स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो देखना है। ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए होने वाला है और काफी झक्कास में आप लोगों के लिए, कहते हैं ना झक्कास, काफी झक्कास में आप लोगों के लिए यहाँ पे कंटेंट लेके आ रहा हूं। बहुत सुपर कंटेंट है, धासु कंटेंट है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब में आप लोगों को कंजूसी नहीं करनी है। जो लोग यहाँ पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको वीडियो, हमारे नेक्स्ट वीडियो जो भी इन्फॉर्मेटिव आगे अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।